हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज एन आर्ट। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ स्केयर्स पार्ट 3। फ्रेंड्स, नंबर ऑफ स्केयर्स पार्ट 1 एंड 2 अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप इन्हें ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये आपके लिए इस वीडियो के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप की फिगर्स। देखो, मान लो हमारे पास ये फिगर दे रखी है। ये देखो, इस फिगर में ये बना रखा हमने। आप ये देखिए, इसमें इसके बाद क्या कर रखा हमने, ये अब देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप की फिगर के अंदर हम कैसे आंसर करेंगे इसको। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम बिगर फिगर को देखेंगे। इसके अंदर देखो क्या है हमारे पास। हमने मान लो इसको ये बता दिया कि कौन सी फिगर है हमारे पास, ये वाली। ठीक है, इस फिगर का बेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, देखो 1, 2, 3 और 4 में, है ना। तो ये हमने पहले देख चुके हैं कि हम इसके अंदर कैसे बताते हैं नंबर ऑफ स्केयर्स। ये होते हैं 30 आते हैं हमारे पास, है ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट को देखते हैं, ये वाली फिगर देखो। अब इसमें एक ये होगी, एक ये बच गई, ये एक ये। फ्रेंड्स, इस टाइप की फिगर के अंदर देखो 1 और 2 के अंदर बेस को डिवाइड किया हुआ है ना हमने। ये देखो, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी होती हैं, 5 होती हैं। ऐसे इसके अंदर भी 5 होती हैं, इसके अंदर भी 5 होती है, और इसके अंदर भी 5 होती हैं। तो 5 और 5 10, 5 15 और 5 20, 20 इसमें ऐड हो जाएंगे। टोटल हमारे पास क्या हो जाएंगे, 15 नंबर ऑफ स्केयर्स। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप के अंदर देखो हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास ये फिगर दे रखी है, एक ये वाली फिगर है हमारे पास। ठीक है, ये ऐसे बना दिया हमने। अब इधर की साइड ये है, ठीक है। इसमें देखो हमारे पास क्या है, ऐसे ही ये है। ये यहां से, ठीक है, इधर भी, ये है, ठीक है। अब इस फिगर के अंदर हम नंबर ऑफ, हमें क्या बताना है, स्केयर्स बताने हैं। नंबर ऑफ स्केयर्स कितने बताए हैं ये हमें बताना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो। हमें ये पता है, इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा अच्छे से, इस बिगर वन फिगर के अंदर देखो ये हो गई, यहाँ पे बेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, 2, 3 और 4, और इस वाली वर्टिकल हाइट को कितने में, 1, 2 और 3। देखो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें पता था 1, 2, 3, 4 इधर है, तो 1, 2, 3, 4 इधर थी, है ना। तो हमने इसका भी मेथड पढ़ा था, अब इस वाली का मेथड भी हम पढ़ चुके हैं। हमें पता है कितनी आती है, इसका अलग मेथड है वो तो हमारे पास, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप होती है। तो इसके लिए क्या आता है, 20 आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कितनी फिगर्स बचती है हमें, देखो जब ये वाली फिगर हम लेते हैं तो इस फिगर के अंदर ये वाली ट्राइंगल आ जाती है स्केयर, ये वाली भी आ जाती है, ये वाली भी कंप्लीट स्केयर आ जाती है, इस तरह की स्केयर सारी आ जाती हैं। और इसके अलावा हमारे पास कौन सी स्केयर बचती है यहाँ पे, वो देखो, एक तो स्केयर बचती है हमारे पास, देखो अब इसमें देखो ये शेप बनती है हमारे पास, एक ये वाली शेप भी क्या है, स्केयर की शेप है, ठीक है। इसके अलावा एक स्केयर ये बन रहा है यहाँ पे, और एक स्केयर ये बन रहा है। हम इसको सीडिंग पोर्शन बना के दिखा देते हैं, ठीक है, ये स्केयर की शेप है बिल्कुल, ठीक है। ये बनने में थोड़ी सी और रखी है, बिल्कुल स्केयर की शेप है। अब इसमें देखो कितनी ट्रायंगल स्केयर्स बन जाएंगे यहाँ पे,
यहाँ पे बन गया वन स्केयर, टू स्केयर और ये थ्री स्केयर हो गया, तो प्लस क्या हो जाएगा थ्री, तो टोटल कितनी आ जाएगा हमारे पास 23, यही हमारा क्या होगा आंसर इसका। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।